जौनपुर में सदर विधानसभा प्रत्याशी नदीम जावेद का प्रचार प्रसार करने के लिए राजस्थान के युवा नेता सचिन पायलट ने पत्रकारों से बात करते हुए बीजेपी और सपा पर जमकर हमला बोला। साथ ही उन्होंने कहा जनता परिवर्तन चाहती है और 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। और हम चाहते हैं कि जो आप पहली बार 32 साल में कांग्रेस पार्टी लड़ रही 400 सीटों के ऊपर और हम लोग अपने दम पर लड़ रहे हैं, कांग्रेस का जो व्यापक जाल है, नेटवर्क है, प्रशंसकों का, समर्थकों का, कार्यकर्ताओं का, वो बहुत फैला है। और आज से 2.5 साल पहले जहाँ कांग्रेस पार्टी खड़ी थी वहाँ से बहुत आगे आ चुकी है और प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। उत्तराखंड में, गोवा में, पंजाब, मणिपुर में हम लोग सरकार बनाएंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर भी मुझे लगता है कि बड़े चौंकाने वाले परिणाम आएंगे और हमारे उम्मीदवार अधिकांश जगह जीत कर जाएंगे और ये एक आने वाले समय की राजनीति का एक आईना हमको देखने को मिलेगा 10 मार्च को। इसलिए कांग्रेस ने बड़ी ताकत से चुनाव लड़ा है और हम लड़ रहे हैं, जीतने के लिए लड़ रहे हैं। और ये बाकी नेताओं से हमारी कोई द्वेष नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन ये बात सच है कि 5 सालों तक कोई भी सपा का बड़ा नेता, छोटा नेता मुझे कहीं दिखा नहीं। अब वोट लेने के लिए सब नेता रैलियां कर रहे हैं, वो पहले सरकारों में रहे हैं। इन 30 सालों में जनता ने सपा सरकार देखी है, बसपा सरकार देखी है, भाजपा सरकार देखी है और किसी ने, अब वो गन्ना किसानों को वादा कर रहे हैं, कोई बिजली का बिल माफ़ कर रहा है, तब तो नहीं किया जब सरकार में थे आप। इसलिए ये सब बेकार की बातें हैं। कांग्रेस पार्टी का भविष्य बहुत बेहतर है और नदीम जी जीत कर जाएंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास।